नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप लैपटॉप एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के वीडियो में कॉफी टेबल और सेंटर टेबल्स के बारे में बात करेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि किस तरह से आप अपने सेंटर टेबल और कॉफी टेबल को डिसाइड करें उनके मटीरियल उनके साइज़ उनके शेप्स और उनके थीम्स इन सब के बारे में बात करेंगे इट्स मोर लाइक अ पॉडकास्ट सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पे अटेंशन टू द दानवर्सेशन दैट इज बिगिन नाउ लेट्स बिगिन शुभम सर

अभी अप्रोक्स अगर मैं सिर्फ कॉफी टेबल और सेंटर टेबल्स की बात करूं तो लगभग 40 के आसपास हमारे पास रेडी टू पिक है सो so, इतना बड़ा डिस्प्ले uh, मुझे नहीं लगता किसी और के पास होगा कॉफी टेबल्स का सो वी हैव मोर देन फोर्टी डिजाइन राइट टेबल रेडी टू पिक सिंस यू आरुफर यू हैव शिफ्टेड टू बींग फर्नीचर मैनुफेक्चर सो आज मेरे पास कोई क्ली कुछ सवाल है बहुत रेंडम करेंगे मोलाई का कॉफी विथ करन ओके हैम्पर मिलेगा आपको <laughs> <laughs> ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्लब फैमिली मेंबर्स के लिए डेफिनेटली एक हैम्पर होगा बिल्कुल राइट right?

आजकल सेट ऑफ टू ज्यादा ट्रेंड में है और सेट ऑफ टू का ये भी फंक्शन है कि अगर थोड़ा सा आपकी सिटिंग दूर है तो आप उसको थोड़ा सा खींच खी के पास कर सकते हो और यूज कर सकते हो अगर आप वैसे भी अगर आप छोटा कॉफी टेबल ले रहे हो तो आप सोफा के दोनों तरफ एंड टेबल्स यूज कर सकते हो जी अगर आपका साइज छोटा अब हम साइज पे बात करने वाले थे कि जब भी सेंटर टेबल खरीदने जा रहे हैं तो सेंटर टेबल खरीदते समय क्या साइज क्या लेना चाहिए अप्रोक्सिमेटी फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट पैरल है मतलब एक लार्ज साइज थ्री सीटर सोफा है और गैलरी जैसा बन रहा है तो गैलरी लॉन्ग लें रेक्टेंगुलर ले लें ले, अगर स्क्वायर yes. है तो स्क्वायर ले, ले और स्क्वायर के साथ में सर्कुलर भी अच्छा लगता बिल्कुल, है बिल्कुल अगर राए? आपका फोर फोर साइड साइड या थ्री है तो आप स्क्वायर भी ले सकते हो ठीक है अगर आपका रेक्टेंगल बन रहा है sitting, तो हुँ. आप रेक्टेंगल ले सकते हो जी अदरवाइज नॉर्मली अगर सिर्फ थ्री प्लस टू रखा है तो आप सेट ऑफ टू सर्कल भी ले सकते हो और राइट क्विक छोटे छोटे एक दो टिप्स और आपके भी जहन में आएंगे तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ जैसे फॉर एग्जांपल छोटा स्पेस है तो को, को, कोशिश करें कि आपकी कॉफी टेबल सेंटर टेबल भी थोड़ी स्लिमिंग पतली और बैक बे, yes. बेस से छोटे हों बिल्कुल आपके एंड से कोई टिप डिपेंड uh, करता है कि आप अगर मैं कॉफी टेबल कौन सा लूँ, पहले तो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है ड्रॉइंग रूम में hmm. उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है आप उसको सिर्फ एज यूज़ करना चाहते हो या आपको उसको खाना पीना भी आपको उसी और आपके एंड टेबल्स आपको लेने बिकॉज अगर एंड टेबल्स होता है कि अगर आपको कॉफी टेबल में ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा तो आप एंड टेबल एक्स्ट्रा में यूज कर सकते हो चलिए ठीक है और स्लीक है अच्छा और ये सारे कोलेप्सिबल होने की वजह से काफी स्पेस सेविंग अगर आपके पास स्पेस कम है तो ये भी ध्यान रखें कि शार्प शार्पेजेस ना लें क्योंकि जब आप मूवमेंट करेंगे टेबल के आसपास तो वो आपको हिट कर सकता है बिल्कुल जितना हो सके छोटे स्पेसिस हैं तो मेरे ख्याल में टेबल टॉप आपके लाइट टोन में रखेंगे तो वो अच्छे दिखाई देंगे राइट ऐसा भी है दूसरा आपका जो उसमें मटीरियल यूज हुआ हुआ है जैसे इटालियन हाउस है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मटीरियल देख रहे हैं इटालियन है तो इटालियन इटालियन चलना चाहिए लेकिन अगर अर्बन थीम है सेमी अर्बन थीम है वुड का है तो वुड का ले सकते हैं बिल्कुल ओके और जो कार्विंग वाले लोग होते हैं वो तो ऑफ कोर्स कार्विंग का सेंटर टेबल लेते ही हैं

तो उसके ऊपर कुछ बुक्स रखिए कुछ कैंडल रखिए कुछ प्लांटर्स रखिए कुछ चीजें रखिए टॉयज और थोड़े से अलग अलग लेवल के रखिए एकदम फ्लैट नहीं होने चाहिए वो जैसे आपका कैंडल और फ्लावर बड़ा हो बाकी सारी चीजें छोटी बुक्स उसके ऊपर रख ले कोस्टर्स भी आप थोड़े से अच्छे रख ले तो आपको पूरा सेंटर टेबल सेट हो जाएगा ओके चलिए आई कैन बी फास्टर देन दिस चलिए लेट्स स्टार्ट स्टार्ट नाउ शो से करते हैं बिल्कुल राइट ये अभी न्यू एंट्री है हमारी हाँ ये न्यू कलेक्शन है और आप खुद ही

सबकी पिक्चर्स आ जाएंगी विद प्राइसिंग के क्या प्राइसिंग okay. है okay. मैं वैसे आपको आइडिया दे देता हूँ बारह हजार रुपए से लेके वी हैव अ रेंज फ्रॉम ट्वेल्व थाउजेंड टू फिफ्टी फाइव ओके बारह हजार से लेके पचपन हजार तक हमारे पास कॉफी टेबल्स हैं mm. लगभग फोर्टी के आसपास हैं mm. और वो सारा हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे तो सेकेंड डिजाइन इज दिस ये लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो दिस इज एन और राइट में देखोगे तो दिस इज मेटल ऊपर पीवीडी कोटिंग है एंड बिल्कुल मॉडर्न uh, हैरी और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो बहुत स्लीक है अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये भी सेट ऑफ टू नेट ऑफ टू है हाँ जी सेट ऑफ में आएगा ये चलिए हमेशा जो हाइटेड पार्ट होता है देखा वो टॉल जो टॉल पार्ट है वो छोटा होता है बिल्कुल जो उसके खत्म हो जाएंगे. ये है। hmm. इसका hmm. इस नेचुरल मार्बल पर ये इंपोर्टेड है जितने भी हम दिखा रहे हैं सब इंपोर्टेड पीसेस हैं और इसमें नीचे हमने मेटल का लिया हुआ है तो अगर किसी को गोल्ड नहीं चाहिए तो थोड़ा सा सटल कलर दिया है ब्लूइश ग्रे है नीचे थीम के लिए भी अटालियन थीम है वो मॉडर्न लिए बिल्कुल और वो ऑरेंज वाला था वो भी मॉडर्न लिए

ये कॉफी टेबल साइड में हाँ बिल्कुल ये वन ऑफ दी आर्किटेक्ट फेवरेट है अगर आप ये देखोगे ना दिस इज विनियर अच्छा और ये बहुत ट्रेंडी वीनर है अभी राइट नाउ और इंटरनेशनली 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 और ये काफी डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स इसको यूज कर रहे हैं नॉट इवन ऑन द कॉफी टेबल्स

सो so, इसका बेस थोड़ा सा थिक है अगर लेफ्ट में देखोगे तो आप वही एन है और राइट में थोड़ा सा आप देखोगे तो इंडियन सतवारियो का फील आ रहा है जी और बहुत बेसिक है और बहुत अच्छा है अभी बहुत ट्रेंडी है आजकल सेट ऑफ टू इसमें अच्छा हाँ और नीचे आप देखोगे तो बहुत वो वाला लाउड गोल्ड नहीं है ये हमारी लंबा ज्यादा हो रहा था सेट ऑफ टू भी छोटा लग रहा था

ओके तो सेट ऑफ टू में एक और बेनिफिट भी होता है आपका एक टेबल हाइटेड होता है शॉर्ट होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो आप सेंटर टेबल पर रखना चाह रहे हैं बिल्कुल लेकिन वो आपको ज्यादा हाइट दे रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसको कॉफी टेबल यानी कि लोअर लेवल पे रख लें उसको और छोटे और जो डेकोर डेकोराटम है उनको बड़े लेवल पर रख लें राइट ना जैसे हमने रखा हो जी सो ये प्योरली इटालियन है

उनके घर में सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा मेंटेनेंस इश्यू आता है क्योंकि फिर बच्चे हाँ वहाँ चीजें छोड़ देते हैं एक मैंने देखा इंडियन होम्स में मेनली बहुत अच्छे अच्छे मैंने घर देखे सॉरी टू दैट सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ इज नथिंग दैट आई कैन एक्चुअली जनरलाइज ऑन एवरीबडी हैव सीन इन मोस्ट ऑफ दी होम्स इन इंडिया

तो थोड़ा सा वो कुछ स्पाइस ऐड करने के लिए हमने ये वाला कॉफी टेबल के आगे रखा है बट अगर आपके पास ऑलरेडी सोफा बहुत बिजी और कलरफुल और बहुत सारे क्वेश्चन है तो फिर आप ये कॉफी टेबल मत रखो फिर आप थोड़ा सा व्हाइटिश में या सटल में ग्रे में रखो बट अभी हमने थोड़ा सा कलर किया ये वाला अच्छा क्योंकि ये है इटेलियन फिनिश का है है डिजाइन मार्बल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जाता है ऑल ऊपर आपको देख रहा है वो नेचुरल मार्बल है नीचे आप देख रहे हो वो मेटल का फ्रेम है अगेंस्ट लीक लेग और ये सेट ऑफ टू में आता है राइट हाँ और काफी अच्छा साइज है इसका

तो हम लोग बात कर रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कि देखिए थ्री टू टू होता है तो आपको अलग सेंटर टेबल चाहिए होता है राइट हाँ जी ओके सो दिस इज कॉल्ड थ्री टू टू ऐसा हाँ, कुछ ये थ्री टू टू है ये मैंने इसके सामने इसलिए रखा है बिकॉज इसके ना जो आर्म्स है ना वो इसमें भी कर्व आ रहा था अच्छा सो so, इसमें भी बहुत सारे कर्व आपको देखेंगे और थोड़ा सा इरेगुलर शेप में है

प्राइस मेरे को एक बार देखना पड़ेगा उसका चलिए नेक्स्ट इज दिस वाइट चलते बढ़ते एक चीज बता दें क्विकली सेंटर टेबल के बारे में आपने बताया था कि फंक्शनलिटी आप प्लीज एक बार बैठ के बता दें हाँ जी कि सेंटर टेबल और एंड टेबल में फर्क क्या है आर सेंटर टेबल्स जो सेंटर में होती है हाँ जी. जो सोफा के एंड में होती है, yes. है ना यस yes. अब आप फंक्शनलिटी करके बता दें इनकेस अगर आपका वो सेंटर टेबल बहुत दूर है तो फिर आप कैसे इसको यूज करेंगे हाँ, जो बीच में बैठा वो कॉफी टेबल यूज कर सकता है जो थोड़ा सा दूर है वो ये यूज कर सकता है अच्छा इससे हाँ, उनका फंक्शनिटी तो तो बढ़ जाएगी करके आप यहाँ हैं राइट इसको भी डेकोर के लिए काम ले सकते हैं आप इस पे भी लैंप्स रख सकते हैं बहुत अच्छा दिखाई देता है अगर आपका घर बड़ा है वो भी टेबल ये भी एक टेबल है तो क्या कॉफी टेबल सेंटर टेबल को एंड टेबल से मैच करना चाहिए

Okay. Ein Glas hier. Okay.

शूट करेंगे और ये बहुत अच्छा है. इसके साथ हमने ये वाला टेबल किया है जिसमें आप देख रहे हो कि वो राउंड सारा राउंड है नीचे का क्योंकि इसकी आर्म्स भी वैसी हैं। अच्छा है ना वाला लुक देता है अगर आप उसके चेयर जो हमने लगाए उसके पीछे देखोगे तो वो भी आपको एक राउंड का फील दे रहा है और इसका जो हमने साइड टेबल यूज किया है वो भी पूरा ब्लैक में किया है जी अगेन दिस ठीक is... है डन तो ताकि उसे वो मैच हो जाए बिल्कुल ओके okay. रिपल फिनिश में हमारे पास एक और ही भी है एंड टेबल हाँ ये आ, रिपल फिनिश में एंड टेबल है हुँ. और इसके साथ हमने ये पूरे इसको सेट बना है एक और टेबल है ये रहा अच्छा ओके okay, नाइस nice. बहुत सारे हैं मतलब चलिए तो ये भी टेवल 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 फिनिश कि मैं खुद भूल जाता हूँ कहाँ कहाँ रखे हैं कुछ कॉर्नर्स पे रखे हैं बिकॉज हमारे पास इतने सोफा सेट नहीं है जितने चलो, ओके सो टर्की और इटली दो कंट्रीज के डिजाइंस को ये सर्व कर देगा बिल्कुल है ना हाँ जी क्योंकि दिस हैज गॉट बिट ऑफ मेटल एंड बिट ऑफ मार्बल एज़ वेल यस यस तो अगर आप देखोगे तो मार्बल का लुक बहुत अच्छा है वेरी प्रीमियम वेरी लग्जरी वेरी हाई क्लास जी और अगर आप बेस देखोगे तो वेरी स्लीक इन मैट गोल्ड ओके तो मतलब अगेन वन ऑफ माय फेवरेट एंड प्राइसिंग अगेन बहुत अच्छी है आई hmm. गेस जितने भी हम दिखाए सबके पास सबका मेरे पास एक या दो ही हैं जी तो जो फर्स्ट फर्स्ट कम पे है राइट right. और प्राइसिंग बहुत अच्छा है hmm. हाँ। और एक ये रखा कॉर्नर पे अच्छा ये भी अगेन सेट ऑफ है hmm. इसको थोड़ा सा आगे कर देता। sure. <laughs> नीचे वही मेटल है hmm. और उसपे वो लगा हुआ है ah. वो ये

अच्छा सोफा के साथ दैट्स नाइस सो दिस इज कमिंग विद लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज एंड ऑफ कोर्स डिजाइन इज आल्सो इंपॉर्टेंट हां इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ डिजाइन पैटर्न्स इधर वो आपने निकाल दिए तो ये अलग ही डिजाइन बन गया इसका रिवर की तरह हाँ बिल्कुल अगर आप यहाँ यहां हो तो आप यहां पे भी अपना ग्लास वगैरह रख सकते हैं ठीक है परफेक्टली सूटेबल आई थिंक दिस इज ओके फॉर ऑल द थीम्स दैट इंक्लोज योर इटालियन एंड टर्की हां हां बिल्कुल है? सारे थीम में जाएगा ऑल मॉडर्न कंटेंपरेरी एंड ये बड़े कूल से पफ hmm. है हमारे पास व्हाट आर दीस दीस आर स्टूल सॉलिड सॉलिड वुड सॉलिड वुड पूरा सॉलिड वुड है पूरा ट्रंक है पेड़ का उसको काट के पूरा ऊपर पॉलिश किया हुआ है ठीक है डन ये आपका बोहो वो में बड़े अच्छे जाते हैं हां यस हा? यस 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 बोहो में अच्छा जाता है ये या फिर आपका आई थिंक जापानी वपेंडी में भी जाता है वुड है ना काफी यस ओके okay, ये कौन सा कलर है This is grey, again, hmm. uh, जो बहुत uh, मतलब मैं मैंने ऑनलाइन प्रिंटर्स देख लिया है, अच्छा। में में ये पूरा मेटल का है hmm. और नीचे दिस इज नॉट नेचुरल मार्बल दिस इज आई गेस मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ग्यारह बारह हजार रुपए का मिल जाता है

एक है इसमें अगर आप देखोगे तो आप पॉलिश का देखो पूरे लकड़ी को कैसे पैक किया हुआ हमने पॉलिश के साथ

तो वो मैं अभी आपको दिखा देता कुछ ये हैं एक ये रखा है और एक ये है। हुँ। हुँ। और? और मुझे आप देखोगे इसका डिजाइन एलिमेंट देखोगे तो बहुत अच्छा है वेरी अप मार्केट फॉर एग्जाम्पल ये पूरा ये आपका ब्रश में जा रहा है एंड देन आपने ये पूरा हमने ऊपर से ब्लैक लगाया इसमें ब्लैक मेटल भी है और गोल्ड भी है ओके okay. दूसरा ये वाला है ये सेट ऑफ है जी दो आपके सामने हैं एक और तीसरा <coughs> है वो आई गेस मैं अनपैक करके इसके साथ लगवा दूंगा बट वो बहुत बड़ा साइज का है इससे बड़ा साइज है थर्ड वाला अच्छा तो ये सेट ऑफ है राइट right. इसी लेवल का है जिस लेवल में तीन अलग अलग लेवल है सो आप फैब्रिक में भी टेबल्स ले सकते हैं फॉर एक्साम्पल जैसे हमने ये दो पुफ बनाया हुआ है तो अगर अभी आप इसको कर लोगे तो हम ये पूरा एक एक शेप में आपको एक सिंगल बना दे देंगे अच्छा ये तो अभी तो दो बने और फुट कर सकते अपने के साथ। आप इसको कर सकते मतलब आप कहना चाह रहे हैं दिस वो सेंटर टेबल की जगह चला जाएगा अगर आपके पास अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है तो आप इसको एज अ सेंटर टेबल यूज करें और

चलिए तो आ, करना क्या है गूगल पे जाइए और वहां पे टाइप करिए ऑटोमन सेंटर टेबल आपको ऑटोमन जो मिल जाएंगे जो सेंटर टेबल टाइप के होते हैं वेस्ट में बहुत पॉपुलर है वो क्योंकि वो लोग ट्रे में फूड सर्व करते हैं आप डायरेक्ट उसके ऊपर बस हॉट बेवरेजेस कोल्ड बेवरेजेस नहीं रख सकते ट्रे को रखते हुए रख सकते हैं राइट सर बट फिर ट्रे क्लियर होनी चाहिए ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू एंड आज जितने भी हमने प्रोडक्ट दिखाए थे वो सब बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, है नंबर आपके सामने हैं आप व्हाट्सअप डालो एक आए आपको सारी पिक्चर्स प्राइस आ जाएंगे अगर आपने ऑलरेडी कोई सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका पिक्चर आप स्क्रीन लेके भेज दो हम आपके लिए बुक कर देंगे राइट सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच